आइडियल जेनरेटेड बाय आइडियल जेनरेटेड बाय ए सेट बाय ए सेट ठीक है। आइडियल जेनरेटेड बाय ए सेट क्या मतलब होता है? देखो आइडियल जेनरेटेड बाय ए सेट का क्या मतलब है कि मानो तुम्हारे पास कोई भी एक रिंग है, अच्छा कोई भी एक रिंग है, मानो कि मैंने बोला कि मेरे पास एक रिंग है, द रिंग इज आर, द रिंग इज आर, ये मेरा एक रिंग है, मेरे पास कोई एक रिंग है, आर एक रिंग है, ठीक है, आर मेरे पास एक रिंग है, इस रिंग का, इस रिंग के अंदर मैंने क्या किया, कोई भी एक सेट ले लिया, मानो इस रिंग के अंदर मेरे पास एक सेट है, ये मेरा एक सेट है, ये सेट का मैंने नाम लिया, द सेट इज एस, एस एक नॉन एम्प्टी सेट है, एस क्या है, एस तुम्हारा एक नॉन एम्प्टी सेट है, आर क्या है, आर मेरा एक रिंग है, और एस मेरा क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है। हम लोग कब बोलेंगे कि एक आइडियल एक सेट के द्वारा जेनरेटेड हुआ है? डेफिनेशन देखो, जैसे जैसे बोल रहा हूँ ना उस चीज को उस हिसाब से समझना पड़ेगा, क्योंकि हर एक चीज का एक डेफिनेशन होता है, इसको हम लोग ये बोलते हैं, इसको हम लोग, मतलब हर एक चीज का एक मैथमेटिक्स में डेफिनेशन है। तो एक आइडियल को, किसी आइडियल को हम लोग कब बोलेंगे कि वो आइडियल सेट के द्वारा जेनरेटेड है, उसी बात को मैं बोल रहा हूँ। कुछ कंडीशन है, क्योंकि डेफिनेशन के अंदर ही तो कुछ ना कुछ कंडीशन रहता है, उसको अगर फॉलो करता है तब जाके हम लोग वो बात बोलते हैं। तो क्या है कि कोई एक रिंग है, अगर उसका कोई एक तुमने नॉन एम्प्टी सबसेट लिया वो एस, हम लोग बोलेंगे कि एक आइडियल, कोई भी एक आइडियल, अब मैंने क्या किया, एक आइडियल ले लिया, अब मैंने क्या किया, मैंने एक आइडियल ले लिया, मानो कि ये मेरा क्या है, ये मेरा एक आइडियल है, ये मेरा एक क्या है, एक आइडियल है, ठीक है, कोई बात, सर ये आइडियल का क्या नाम है, मैंने दिया कि ये मेरा जो आइडियल है ना ये ए है। तो तुम यहां पे अच्छे से देख पा रहे हो कि ये आइडियल क्या कर रहा है, पूरा एस को कंटेन कर रहा है ना, बोलो ये आइडियल पूरा एस को कंटेन कर रहा है ना। तो सर पहला बात, किसी आइडियल को अगर मुझे बोलना है कि किसी सेट के द्वारा जेनरेटेड है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो आइडियल उस सेट को कंटेन करना पड़ेगा। हम लोग जब किसी को बोलेंगे कि वो आइडियल किसके द्वारा जेनरेटेड है, तो फर्स्ट क्या कंडीशन है, अभी पूरा डेफिनेशन मैंने नहीं बोला है, मैं ये बोलना चाह रहा हूं किसी आइडियल को, किसी रिंग का कब बोलेंगे कि वो आइडियल उस सेट के द्वारा जेनरेटेड है, तभी बोलेंगे जब वो आइडियल उस सेट को कंटेन करे, ये फर्स्ट कंडीशन। दूसरा कंडीशन, अगर कोई दूसरा कोई आइडियल है, क्योंकि रिंग के पास एक आइडियल होगा ऐसा तो बात नहीं है, रिंग के पास बहुत सारा आइडियल हो सकता है, हालांकि दो भी हो सकता है, दो से ज्यादा नहीं भी हो सकता है, जैसे फील्ड भी तो एक रिंग है, बट उसके पास दो से ज्यादा आइडियल है ही नहीं। बट बहुत सारा टाइम में क्या होता है, आइडियल एक रिंग का बहुत सारा होता है, जैसे जेड, जेड के पास तुम जानते हो, जेड के पास बहुत सारा आइडियल है, कोई मुझे बोलो कि जेड का आइडियल देखने में कैसा था, जेड का आइडियल देखने में कैसा था, जेड का आइडियल देखने में कैसा था, सर जेड का आइडियल देखने में 2Z था, सर जेड का आइडियल देखने में क्या था, बोलो तो 3Z, जेड के आइडियल सर देखने में सर MZ फॉर्म का है, माने जहां पे इंटीजर है, हाँ Z2Z 3Z 4Z 5Z, ये सब क्या है, ये सब Z का आइडियल है। तो Z का आइडियल सब है, तो ऐसा हो सकता है कि एक रिंग के अंदर बहुत सारा आइडियल है, ठीक है। अब बात क्या होता है कि कोई आइडियल है, उस आइडियल को तुम बोलना चाह रहे हो कि वो आइडियल एक सेट के द्वारा जेनरेटेड है, तभी बोल पाओगे अगर उस रिंग में और कोई अगर आइडियल है, माने उस रिंग में जितना सारा आइडियल है, जो आइडियल क्या कर रहा है, अगर एस को कंटेन कर रहा है, माने अगर उस रिंग में ऐसा कोई आइडियल है जो एस को कंटेन कर रहा है, अच्छा जो सब आइडियल है जो एस को कंटेन कर रहा है, मैंने क्या बोला कि सपोज मानो कि यहां पे एक पिक्चर ले रहे हैं, यहां पे ए मैंने एक लिया, अच्छा कोई बोला सर ये क्या है,
मैंने बोला कि एक कोई एक दूसरा आइडियल है, एक दूसरा आइडियल एक जनरल आइडियल है, एक कोई भी आइडियल है, आर का कोई भी आइडियल है, इसका मैंने नाम दिया आई। ये जस्ट एक आइडियल है सर। आइडियल क्या है? एक आर का आइडियल है, बट इस आइडियल में क्या खासियत है? ए भी एस को कॉन्टेन कर रहा है, तो ये आई क्या है? ये कोई भी आइडियल हो सकता है। तो क्या देख पा रहे हो कि किसी रिंग में कोई एक नॉन एम्प्टी सेट लिया और कोई पर्टिकुलरली किसी आइडियल को तुम अगर बोलना चाह रहे हो कि वो आइडियल मेरा क्या है इस सेट के द्वारा जनरेटेड है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो आइडियल को क्या करना पड़ेगा? वो आइडियल को मस्ट क्या करना पड़ेगा? उस सेट को कॉन्टेन करना पड़ेगा। एंड दूसरा बात, अगर इस रिंग में ऐसा कोई आइडियल है जो उसको कॉन्टेन कर रहा है, जो आइडियल एस को भी कॉन्टेन कर रहा है, तो वो आइडियल आर ए के बीच में क्या रिलेशन होगा? ए ऑलवेज सबसेट ऑफ आई होगा, फॉर ऑल आइडियल। फॉर ऑल क्या? फॉर ऑल आई, फॉर ऑल आई। अच्छा, फॉर ऑल आई माने फॉर ऑल आइडियल ऑफ आर व्हिच कॉन्टेन एस। अच्छा, माने रिंग के अंदर जितना सारा आइडियल है, अगर वो आइडियल एस को कॉन्टेन कर रहा है, तो जिस आइडियल को तुम बोलना चाह रहे हो ना कि आइडियल इज जनरेटेड बाय एस, तो वो आइडियल ऑलवेज क्या होगा? उसका सबसेट होगा। बोलो तो इसका मतलब ये नहीं हुआ क्या कि एक आइडियल जनरेटेड बाय ए सेट इज द स्मॉलेस्ट आइडियल कॉन्टेनिंग द सेट? बोलो, समझ पा रहे हो? मैंने क्या बोला कि एक आइडियल को अगर तुमको बोलना है कि द आइडियल इज जनरेटेड बाय ए सेट, तो ये सिंपल सा बात है कि वो आइडियल उस सेट को कॉन्टेन करने वाला सबसे छोटा आइडियल होगा, क्योंकि उसको कॉन्टेन करने वाला उस रिंग का जितना सारा आइडियल है ना, वो ऑलरेडी बड़ा होगा, और वो जो जनरेटेड वाला है ना, वो उससे छोटा होगा। ये है डेफिनेशन। ये किसका डेफिनेशन है? ये डेफिनेशन है कि कोई आइडियल एक सेट के द्वारा जनरेटेड कब होता है। आइडियल जनरेटेड बाय सेट, ठीक है, हम लोग काम करेंगे यहां पे। तो पहले डेफिनेशन आप लोगों ने बोला, अब इसको थोड़ा लिख लेते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूं, कोई एक रिंग है, उसका कोई एक नॉन एम्प्टी सबसेट है। अगर तुमको बोलना है कि कोई एक पर्टिकुलरली कोई एक आइडियल को कि द आइडियल ए इज सेट टू बी आइडियल जनरेटेड बाय द सेट एस, कब बोल पाओगे? जब वो आइडियल उस एस सेट को कॉन्टेन करे, माने एस क्या हो, मैं बोल सकता हूं कि एस इज ए सबसेट ऑफ ए। एंड सेकेंड बात, अगर उस रिंग में कोई आइडियल हो जो एस को कॉन्टेन कर रहा है, तो ए आर आई के बीच में क्या रिलेशन हो? ए इज ए सबसेट ऑफ आई। चलो, तो हम लोग इसका डेफिनेशन कब लिखेंगे? पिक्चर ड्रॉ कर लियो, तुम लोग पिक्चर ड्रॉ कर लेना। हाँ, तो देखो, आइडियल जनरेटेड बाय सेट, लेट आर बी ए रिंग, लेट R be a ring, let R be a ring. मैंने R क्या लिया? कोई भी एक रिंग ले लिया। And capital S be any non-empty subset. Subset किसका? Be non-empty subset of R, ठीक है। तो मेरे पास एक रिंग है जो R है। अच्छा, और S क्या है? S उसका एक नॉन एम्प्टी सबसेट है। रिंग है तो मतलब जानते हो कि दो बाइनरी ऑपरेशन कंट्री में चार आठ को पार्टी होल्ड कर रहा है, और एक नॉन एम्प्टी सबसेट है उसका। उस नॉन एम्प्टी सबसेट को मैंने S बोला। कोई आइडिया, मानो कि मैंने एक आइडियल बोला A, इसको हम लोग कब बोलेंगे कि दिस आइडियल A is generated by S? किसी आइडियल को हम लोग कब बोलेंगे कि वो किसी सेट के द्वारा जनरेटेड है? एन आइडियल ए ऑफ आर, एन आइडियल कैपिटल ए ऑफ आर इज सेट टू बी जेनरेटेड बाय एस। एस तो मेरा सेट था, एस तो मेरा नॉन एम्प्टी सेट था, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि द आइडियल ए इज जनरेटेड बाय एस इफ कैपिटल ए
इज द स्मॉलेस्ट आइडियल ऑफ आर कॉन्टेनिंग एस, ये ध्यान में रखना है। स्मॉलेस्ट आइडियल ऑफ आर तब बोलोगे कब, कंडीशन क्या है, कॉन्टेनिंग एस, एस को कॉन्टेन करने वाला जितना सारा आइडियल है, जो सब एस को कॉन्टेन करता है, एस को कॉन्टेन करने वाला जितना सारा आइडियल है। कोई बोलेगा सर ए क्या एस को कॉन्टेन कर रहा है, मैं बोलूं ऑब्वियस तो बात है, वो तो मैंने बोल दिया पहले ही कि एन आइडियल ए ऑफ आर इज सेट टू बी, एक आइडियल है, अगर एक आइडियल को अगर किसी सेट के द्वारा जनरेटेड बोलना है तो आइडियल तो उसको कॉन्टेन करेगा ही करेगा, तो एस को कॉन्टेन करने वाला ए तो एक आइडियल है जो इसको कॉन्टेन कर रहा है, बट इस एस को कॉन्टेन करने वाला इस रिंग का जितना सारा आइडियल है उस सब में सबसे छोटा होगा वो आइडियल। ठीक है, इस डेफिनेशन का दूसरा वहां से लिखो जो सबसे इंपॉर्टेंट जगह है, ऑल्टरनेटिव, जो बात मैंने तुम लोगों को बोला, इस डेफिनेशन को क्या लिखना, ऑल्टरनेटिवली, इसको क्या लिखोगे कि ऑल्टरनेटिवली, हम लोग कैसे बोल सकते हैं इसको, ऑल्टरनेटिवली क्या बोलेंगे कि नंबर वन एस इज ए सबसेट ऑफ ए, जो सेट है जिस सेट के द्वारा तुम आइडिया जनरेट कर रहे हो एस ए का सबसेट होगा, एंड क्या, एंड दूसरा बात फॉर एनी, नंबर टू क्या, फॉर एनी आइडियल आई ऑफ आर, फॉर एनी आइडियल आई ऑफ आर, अगर वो एस क्या है, आई का सबसेट है, दैट मीन्स फॉर एनी आइडियल आई ऑफ आर, माने रिंग का कोई आइडियल तुम ले रहे हो, फॉर एनी कोई भी आइडियल, जो आइडियल में क्या खासियत है, जो आइडियल एस को कॉन्टेन करता है, एस इज ए सबसेट ऑफ आई माने द आइडियल कॉन्टेनिंग एस। मैंने क्या बोला कि मेरे पास अगर कोई भी आइडियल है जो एस को कॉन्टेन कर रहा है तो मैं बोल सकता हूं क्या, वो क्या इंप्लाई करेगा, दिस इंप्लाइज, ये क्या इंप्लाई करेगा, दिस इंप्लाइज फॉर एनी आइडियल आई ऑफ आर, जो आइडियल एस को कॉन्टेन कर रहा है, ये क्या इंप्लाई करेगा कि ए सबसे छोटा होगा, ए इज ए सबसेट ऑफ आई। बोलो ठीक है, तो अब बात क्या होता है, कोई आइडियल अगर किसी सेट के द्वारा जनरेटेड है ना, उसको कैसे हम लोग लिखेंगे, मानो यहां पे देख पा रहे हो कि मैंने जो बात बोला, मैंने यहां पे बोला कि द आइडियल ए इज जनरेटेड बाय, द आइडियल ए इज जनरेटेड बाय क्या, इज जनरेटेड बाय दिस सेट ना, ये जो सेट एस है इसके द्वारा जनरेटेड हुआ है, मेरा जो आइडियल ए है वो इस सेट के द्वारा जनरेटेड हुआ है। तो अगर कोई आइडियल किसी सेट के द्वारा जनरेटेड होगा ना, जैसे याद करो हम लोग जब साइक्लिक ग्रुप पढ़ते थे तो किसी ग्रुप को हम लोग साइक्लिक ग्रुप कब बोलते थे, कि उस ग्रुप में एक ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए जो क्या कर सकता है, जिसके पास क्या कैपेसिटी हो, जो ग्रुप के हर एक एलिमेंट को जनरेट कर सकता है, उसको हम लोग साइक्लिक ग्रुप बोल सकते थे, बोलते थे। यहाँ पे वही बात है कि किसी आइडियल को हम लोग जनरेटेड बाय एस जब बोलते हैं ना, तो जैसे जी एक ग्रुप है साइक्लिक, तो अगर ए उसका जनरेटर है तो उसको ऐसे लिखते थे, और आइडियल के केस में हम लोग वही काम करेंगे, कोई आइडियल जनरेटेड बाय अगर सेट है तो ए अगर आइडियल है जनरेटेड बाय एस है तो हम लोग क्या लिखेंगे कि ए इज आइडियल जनरेटेड बाय एस, क्योंकि ये आइडियल किसके द्वारा जनरेटेड हुआ है, ये आइडियल जनरेटेड हुआ है सेट के द्वारा, तो अंदर में सेट रहेगा, एक ग्रुप जनरेटेड होता है एक एलिमेंट के द्वारा, तो ऐसे रखते हैं सिंबल ए ऐसा है। अच्छा लिखना है ऐसे, यहां पे क्या लिख रहे हो, यहां पे लिख रहे हो इफ आइडियल ए ऑफ आर इज जेनरेटेड बाय क्या, by s, then we write a
इज द आइडियल विच इज जनरेटेड बाय एस, या फिर इसको सिंपली कोई कोई ऐसा भी लिखता है कि आइडियल जनरेटेड बाय एस को ऐसे फर्स्ट ब्रैकेट में भी देता है, ये भी सिंबल है, ये भी सिंबल है, ये भी सिंबल है, सिंबल है। जैसे याद करो हम लोग जब सीक्वेंस पढ़ते थे रियल एनालिसिस पे, सीक्वेंस को कोई ऐसा लिखता है, सीक्वेंस को कोई ऐसा भी लिखता है, ठीक है, डिपेंड करता है। अब कोई कोई राइटर सीक्वेंस को ऐसा भी लिखता है, एक सेंट को ब्रैकेट में ऐसा देता है, डिपेंड कर रहा है, नोटेशन नोटेशन होता है, जैसे नोटेशन, ये कभी ये नोटेशन यूज करेंगे, कभी ये नोटेशन, मेनली मैं ये नोटेशन यूज करूंगा, बट बुक में दोनों नोटेशन दिखा गया है। अच्छा, कोई बुक में ये दिखा जाता है, कोई बुक में वो दिखा जाता है, तो ये बात होगी। अच्छा, तो बोलो तो ये डेफिनेशन क्लियर हो गया सबको ना, आइडियल जनरेटेड बाय ए सेट, ये डेफिनेशन क्लियर है तो? उसके बाद हम लोग प्रिंसिपल आइडियल का बात करेंगे, बट उससे पहले इसके ऊपर एक थ्योरम है, पहले वो देख लेते हैं, उससे पहले इसके ऊपर एक थ्योरम है, पहले वो देख लो, क्या थ्योरम है, उसके बाद इस थ्योरम को करने के बाद ही हम लोग प्रिंसिपल आइडियल जो है उसके ऊपर आएंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट एक जगह है और जो इसके साथ ही लिंक्ड है। माने तुमको अगर प्रिंसिपल आइडियल समझना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार वो मैंने नहीं खींचे ना, क्या हां बोल, एक बार फिर बोल दे, नहीं सर कॉपी करना है, कॉपी करो। देखो क्या थ्योरम है, थ्योरम बोल रहा है कि अगर तुम्हारे पास कोई दो आइडियल है किसी रिंग का, क्या थ्योरम है कि इफ इफ ए एंड बी आर टू आइडियल्स ऑफ, इफ ए एंड बी आर टू आइडियल्स ऑफ, ऑफ क्या, ऑफ ए रिंग, ऑफ ए रिंग, इफ ए एंड बी आर टू आइडियल्स ऑफ ए रिंग आर, देन द आइडियल जेनरेटेड बाय, द आइडियल जेनरेटेड बाय ए यूनियन बी। मैंने क्या बोला कि अगर तुम्हारे पास दो सेट है ना, ए आर बी, दो सेट क्या है, आइडियल है यहाँ पे, अगर किसी रिंग के लिए तुम अगर दो आइडियल लेते हो ना, तो दो आइडियल का यूनियन, मुझे बोलो तो दो आइडियल है, वो दो आइडियल का यूनियन क्या आइडियल होगा, बोलो, नहीं है, आइडियल होना जरूरी है क्या, नहीं है, नहीं। हम लोग क्या करते हैं, दो आइडियल का यूनियन आइडियल होना जरूरी नहीं है। अच्छा तो ठीक है, हम लोगों को तो वो नहीं चाहिए, हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को चाहिए कि अगर कोई दो आइडियल है तो दो आइडियल को जब हम लोग यूनियन करेंगे तो वो रिंग का एक सबसेट तो होगा, ए यूनियन बी एक सबसेट होगा। मैं दिखाऊंगा कि असल में वो जो ए यूनियन बी है ना, असल में वो जो ए यूनियन बी है उसके द्वारा, फिर से बोल रहा हूँ, ए आर बी दो आइडियल है, दो आइडियल का यूनियन सबसेट होना, सॉरी, दो आइडियल का यूनियन आइडियल होना जरूरी नहीं है, ये हम लोग बोले थे, ठीक है। अब बात क्या है, कोई बोला सर ठीक है सर, दो आइडियल था, दोनों का यूनियन करने से वो आइडियल नहीं आया, बट वो तो एक आर का सबसेट है, उसके द्वारा अगर मैं आइडियल जनरेट करूँ, वो आइडियल नहीं है, बट उसके द्वारा मैं अगर आइडियल जनरेट करूँ ना, ए यूनियन बी के द्वारा अगर मैं आइडियल जनरेट करूं, माने ए यूनियन बी को अगर मैं एज एस मानूं, तो ए यूनियन बी को अगर मैं एस मानूं, तो इसके द्वारा मैं अगर आइडियल जनरेट करूंगा, ए और कोई नहीं, वो ए प्लस बी बन जाएगा। कोई बोला सर ए प्लस बी आइडियल होता है क्या, मैं बोलूंगा ए प्लस बी आइडियल होता है, हम लोगों ने प्रूव किया था ना, दो आइडियल का सम आइडियल होता है, दो आइडियल का सम आइडियल होता है। और मैं तुमको ये बोल दूं कि ये दो आइडियल का सम जो आइडियल होता है ना, ये कहां से आया हुआ है, ये और कोई नहीं कि जो ए आर बी जो आइडियल था ना, उसका यूनियन के द्वारा जो आइडियल जनरेटेड होता है वही होता है, यही है थ्योरम है, थ्योरम यही है।
क्या थ्योरम बोल रहा है? के थ्योरम बोल रहा है कि इफ ए एंड बी आर टू आइडियल्स ऑफ ए रिंग आर, देन द आइडियल जनरेटेड बाय द सेट, कौन सा सेट? बाय द सेट ए यूनियन बी, बाय द सेट ए यूनियन बी इज इक्वल टू, इज इक्वल टू द आइडियल ए प्लस बी, जो हम लोग प्रूव कर चुके हैं पहले ही कि अगर दो आइडियल अगर है तो दोनों आइडियल का सम आइडियल होना, सॉरी दो आइडियल का सम आइडियल तो होता है बट यूनियन वाला आइडियल होना जरूरी नहीं है। बट ठीक है, ए आर बी आइडियल है, दोनों का यूनियन आइडियल नहीं आया, बट वो सबसेट जो है ना ए यूनियन बी, इसके द्वारा अगर तुम आइडियल जेनरेट करते हो तो क्या होगा, वो तुम्हारा ए प्लस बी आएगा। तो सिंपली मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, क्या लिख सकते हो कि दैट इज क्या, दैट इज ए यूनियन बी, इसको एज ए सेट मानो, ए यूनियन बी को एज ए एस मानो, तो एस के द्वारा जनरेटेड आइडियल, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, बट इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ब्रैकेट मत सोचना कि सर ये ब्रैकेट है, ए यूनियन बी के द्वारा जनरेटेड आइडियल का सिंबल है, ठीक है, इसलिए मैंने ये वाला सिंबल ज्यादा यूज करता हूँ, इससे थोड़ा सा क्लियरिटी मिलता है कि हाँ ये जनरेटेड, बट कोई बात नहीं है, ब्रैकेट से भी देता है बहुत सारे रूप में। तो ये क्या हो गया, सर ये आपका हो गया ए प्लस बी। तो देखो अच्छा थ्योरम है कि दो आइडियल का यूनियन आइडियल तो नहीं है, बट वो जो सबसेट होता है ना, वो जो जनरेट करता है आइडियल, वो असल में ए प्लस बी वाला ही आइडियल है और कोई नहीं है। तो देखो इसको हम लोग प्रूव करेंगे, एक बात बोलो, ए प्लस बी ये जो दो आइडियल का सम हम लोग करते हैं, ए प्लस बी जो हम लोग करते हैं, ए प्लस बी देखने में कैसा है? कोई बोला सर ए प्लस बी देखने में सर स्मॉल ए प्लस बी है, सच दैट ए कहां से आ रहा है, कैपिटल ए से, बी कहां से आ रहा है, बी आ रहा है कैपिटल बी से, ऐसे तो देखने में ए प्लस बी, ठीक है ए प्लस बी ऐसे देखने में। अब सुनो मैं पहले क्या कर रहा हूं, मुझे आइडियल प्रूफ करना है, मुझे क्या प्रूफ करना है कि द आइडियल ए प्लस बी इज जनरेटेड बाई ए यूनियन बी। तो फर्स्ट लिखो प्रूफ कर रहे हैं हम लोग इसका, बोलो तो मुझे अगर ये दिखाना है कि द आइडियल ए प्लस बी इज जनरेटेड बाई ए यूनियन बी, तो मेरा काम क्या होगा? सर आपका काम होगा फर्स्ट डेफिनेशन में क्या बोला था, किसी आइडियल को अगर दिखाना है कि वो किसी सेट के द्वारा जनरेटेड है, दैट मीन्स दिस इज एस, तो तुमको क्या दिखाना पड़ेगा कि दिस एस इज ए सबसेट ऑफ ए प्लस बी ना। फर्स्ट काम क्या होता है, एस इज ए सबसेट ऑफ, फर्स्ट काम क्या है, एस इज ए सबसेट ऑफ ए दिखाना। दूसरा काम क्या है सर, दूसरा काम है अगर ऐसा कोई आइडियल है, अगर ऐसा कोई आइडियल है जो क्या है, मानो कि मैंने क्या बोला कि आई कोई भी आइडियल है जो क्या कर रहा है, जो आइडियल एस को कंटेन कर रहा है, माने एस इज ए सबसेट ऑफ आई, तो मेरा काम क्या होगा, हालांकि यहां पे एस का मतलब क्या है सर, एस का मतलब है आपका ए यूनियन बी, तो मुझे क्या दिखाना है, मुझे दिखाना है नंबर टू क्या दिखाना है कि ए यूनियन बी को कॉन्टेक्ट करने वाला अगर कोई आइडियल है तो उसमें ए प्लस बी सबसे छोटा होगा, दैट मींस वी हैव टू प्रूव दैट ए प्लस बी इज ए सबसेट ऑफ आई। बोलो तो ए प्रूव ऐसा ही हुआ क्या? हाँ सर। क्लियर आ रहा है? देखो बात समझो, मेरा ये आइडियल है ए जनरेटेड बाय ए यूनियन बी, मैं बोलूंगा तब जब वो सेट फुल्ली उसमें कंटेन करे, एंड किसी आइडियल को अगर किसी सेट के द्वारा जनरेटेड बोलना है ना, तो अगर उस रिंग में जितना सारा आइडियल है जो ए यूनियन बी को कंटेन कर रहा है, तो क्या होना पड़ेगा, जो आइडियल जनरेटेड है ना वो सबसे छोटा होना पड़ेगा, दैट मींस वो उसका सबसेट होना पड़ेगा। तो ये दो स्टेप में दिखाऊंगा, मेरा फर्स्ट काम है ए यूनियन बी को ए प्लस बी का सबसेट दिखाना, एंड सेकंड काम क्या है, मेरा सेकंड काम है कि अगर मेरे रिंग में कोई आइडियल अगर है, माने वो सब आइडियल जो ए यूनियन बी को कंटेन कर रहा है, मैं दिखाऊंगा कि वो आइडियल और ए प्लस बी में क्या रिलेशन है, ए प्लस बी ऑलवेज उसका सबसेट होगा। तो चलो
ये प्रूफ का एक आउटलाइन था, अब मैं इसको प्रूफ कर रहा हूं। प्रूफ देखो तो ए कैपिटल ए में है, बोलो तो जब ए कैपिटल ए में है ए प्लस जीरो क्या ए प्लस बी में नहीं होगा क्या? तुम बोलो सर कैसे होगा, मैं बोलूंगा कैपिटल ए प्लस बी में कौन होता है? सर कैपिटल ए प्लस बी में पहला वाला एलिमेंट ए का होना पड़ेगा, पहला एलिमेंट ए का ही है। सर दूसरा वाला एलिमेंट बी का होना पड़ेगा, मैं बोलूंगा बी तो एक आइडियल है और जब कोई आइडियल है उसमें तो जीरो एलिमेंट प्रेजेंट होगा ही होगा, तो जीरो तो बी में है, तो जब जीरो बी में है तो मैंने एक एलिमेंट ए का लिया और सेकंड वाला बी का लिया, तो जोड़ने से वो ए प्लस बी में जाएगा, क्या बोलते हो तुम लोग? ये सही है लिखना? ठीक है तो ये मैं लिख सकता हूं। तो यहां से क्या मालूम चला, कोई मुझे बोल सकता सर यहां से क्या प्रूफ हुआ? यहां से प्रूफ हुआ कि ए अगर ए पे है तो ए असल में ए प्लस जीरो का मतलब क्या है? फिर से बोलो ए प्लस जीरो का मतलब क्या? सर ए प्लस जीरो माने तो ए, तो ए प्लस जीरो अगर ए है तो मैं लिख नहीं पाऊंगा क्या यहां से कि सर आपका ए कहां पे चला गया? सर आपका ए चला गया ए प्लस बी में। कहां से लिए थे ए में? ए से लिया था, चला गया ए प्लस बी में। तो क्या हुआ बोलो, किसी सेट में तुम एक एलिमेंट लेते हो और वो दूसरे सेट में चला जाता है, तो जिसमें एलिमेंट लेते हो वो क्या सबसेट नहीं बनता क्या? सर वो तो आपका सबसेट बन जाएगा। किसका सबसेट बनेगा? सर ए प्लस बी का बनेगा। तो ए बन गया मेरा फर्स्ट केस, इसको दे दो नंबर वन। सर यही बात आप बी के लिए कर लीजिए, सेम टू सेम बात आप बी के लिए कर लीजिए, क्या होगा आपका कैपिटल बी सबसेट ऑफ ए प्लस बी आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने बी ले लिया, कहां से? मैंने बी लिया कैपिटल बी से। अब मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा कि जीरो प्लस बी बिलोंग्स टू क्या? सर ए प्लस बी। अब जीरो प्लस बी का मतलब क्या होता है? बी। तो इसमें क्या होगा, बी कहां पे चला जाएगा? सर बी जाएगा आपका ए प्लस बी में। तो इससे क्या प्रूफ हो गया, इससे क्या प्रूफ हो गया कि सर इससे प्रूफ हुआ आपका कि बी इज ए सबसेट ऑफ ए प्लस बी, बी इज ए सबसेट ऑफ ए प्लस बी। तो यहां से इसको दे दो नंबर टू। ठीक है, मुझे एक बात बोलो, तो मैंने तुमको एक बात पूछा कि सर ए एक सेट एक्स में है, बी भी एक सेट एक्स में है, तो मैं लिख नहीं पाऊंगा ए यूनियन बी भी एक्स में होगा, क्या बोल रहे हो? हाँ ये लिख सकते हैं। तो जब ये मैं लिख सकता हूं ये वाला बात, तो यहां पे मैं देख पा रहा हूं यहां पे मेरा ए कहां पे है? ए प्लस बी, ए प्लस बी इज द कॉमन सेट, ए उसमें भी है, ए जो है मेरा ए प्लस बी में भी है, मेरा बी जो है वो भी ए प्लस बी में है, तो ए और बी का सब एलिमेंट ए प्लस बी में है, तो यूनियन करोगे तो उसी में जाएगा ना। तो ये बात है, क्या लिखोगे? फ्रॉम वन एंड टू वी हैव, फ्रॉम वन एंड टू वी हैव, क्या लिखोगे कि फ्रॉम वन एंड टू वी हैव ए और बी का अगर मैं यूनियन करता हूं तो क्या होगा? सर ये आपका फिर से कहां पे जाएगा? सर ए प्लस बी पे जाएगा। तो इसको नाम दे दो, इसको एक नाम दो, इसको क्या नाम दो, सॉरी इसको एक नाम दे दो, दिस इज नंबर थ्री। अब बोलो तो अब क्या करना है? अब मैं क्या करूं जानते हो, मेरे आर में मानो कि मेरा आर था, मानो ये मेरा आर था, दिस इज आर, ये तुम्हारा क्या है, ये आर है, ये तुम्हारा क्या है, ए तुम्हारा मानो कि ए है, अच्छा और ये क्या है, ए बी है, ये ए है और ये बी है। तो बोला सर अगर ये ए और बी है तो सर ए प्लस बी देखने में कैसा होगा? ए प्लस बी मैंने तुम लोगों को बोला था, ए प्लस बी देखने में कैसा होगा? ए प्लस बी यूनियन से बड़ा होता है, ए प्लस बी देखने में कैसा होता है? यूनियन से बड़ा। तो ए प्लस बी देखने में ऐसा कुछ होगा, ए प्लस बी देखने में ना ऐसा कुछ होगा, ए ए प्लस बी है। सर ए प्लस बी का ए यूनियन बी से बड़ा होता है, ऑब्वियसली ए प्लस बी ए यूनियन बी से बड़ा होगा, ए प्लस बी ए यूनियन बी से बड़ा होगा।
ठीक है, ए प्लस बी यूनियन बी से बड़ा होगा। तो देखो ये होता है, कोई मुझे बोलोगे 4z और 6z, जैसे z में हम लोग काम करते थे, तो 4z और 6z का अगर तुम यूनियन करते हो जो आएगा, और 4z और 6z का अगर जोड़ोगे, 4z 6z के जोड़ने से क्या आता है, क्या बोलते हैं, 4r2 का जीसीडी, 4r2 का जीसीडी 2 होता है। तो इसका मतलब 4z और 6z को अगर जोड़ोगे ना, तो असल में 2z बनेगा, और तुम जानते हो कि 2z के अंदर सब इवन इंटीजर होता है। तो देखना 4z और 6z, माने इसको ऐसे सोचो, मानो कि मैंने बोला कि मैंने a लिया 4z, मैंने b लिया क्या 6z, तो मुझे पूछ रहा है कि सर a प्लस बी क्या होगा, a प्लस बी होगा तुम्हारा 2z। कोई बोला सर ये जो a प्लस बी है, ये जो 2z है, आप बोल सकते हो कि a इज ए सबसेट ऑफ 2z, ऑब्वियसली a में तो 4z वाला एलिमेंट है, 4 का मल्टीपल तो 2z में जाएगा ही जाएगा। सिमिलरली b क्या है, b इज ए सबसेट ऑफ 2z ना, बट बोलो तो 4z यूनियन 6z करने में जितना एलिमेंट आएगा उसमें ज्यादा होगा या 2z में ज्यादा होगा, बोलो। 4z और 6z का तुमने यूनियन किया, जितना एलिमेंट मिलेगा 2z में उससे ज्यादा एलिमेंट है या फिर उतना ही है? 2z में ज्यादा होगा, क्योंकि 4 वाला जो मल्टीपल है वो 2z में तो है, 6 वाला जो मल्टीपल है वो तो है, बट जो 2 2 10, हम लोग के पास जैसे 2 होता है 2 एंड 10, 2 10 18, सॉरी 18 तो चला जाएगा 6 में, 2 10 2 ना 4 का मल्टीपल है ना 6 का मल्टीपल है, सिमिलरली 10 10 ना 4 का मल्टीपल है ना 6 का मल्टीपल है, वो सब 2z में है, बट 4z और 6z के यूनियन में आएगा ही नहीं, तो ऐसा बात होता है। तो ये थोड़ा सा पिक्चर समझाना समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत जन को लगता है कि a यूनियन b का मतलब a प्लस b, हालांकि हम लोग एक सेट में थोड़ा सा ये जानते हैं कि यूनियन का मतलब जोड़ना होता है, जोड़ना तो है, ये अलग चीज है, वहां पे a यूनियन b माने टोटल वाला ये सेट आएगा, बट a प्लस b में इससे बाहर भी आएगा, तो बात है 2z और 6z, 4z 6z से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है, अगर इसको थोड़ा सा ब्रेक करके देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। मैंने बोला भी था यूनियन इंटरसेक्शन एंड सम एंड प्रोडक्ट करने के टाइम कि आइडियल का प्रोडक्ट करना या फिर सम करना या फिर इंटरसेक्शन करना यूनियन करना, ठीक है, जो रूल बोले थे वहाँ पे, जिसके कौन किसके अंदर आता है, PIUS बोल के जो ट्रिक बनाए थे, पीयूष चावला बोल के जो ट्रिक बनाए थे, वहाँ पे वो सब बोले थे, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ये वाला काम कर दिए, अब क्या करो, ये तो जस्ट मेरा समझने के लिए मैंने बोला था, अब मेरा काम क्या होगा, मैं क्या करूंगा, ऐसा आइडियल लूंगा ना जो क्या होगा, जो इस ए आर बी का यूनियन को कॉन्टेन करेगा। अच्छा, माने असल में यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पिक्चर ये कर दिया, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसको थोड़ा सा और छोटा करते तो अच्छा होता, माने इस पिक्चर को अगर मैं ऐसा कर दू ना, तो ए देखो, ए जो ए प्लस बी है, ए यूनियन बी को तो कॉन्टेन कर रहा है, क्योंकि ए प्लस बी यूनियन बी को कॉन्टेन करेगा, ये हम लोग जानते हैं, बट अगर इस ए यूनियन बी को कॉन्टेन करने वाला अगर तुम और कोई आइडिया लेते हो, मानो कि तुमने एक आइडिया और लिया जो क्या कर रहा है, जो ए आर बी का यूनियन को कॉन्टेन कर रहा है, देखो हाँ, ऐसा कुछ आइडिया मैंने ले लिया, ठीक है, एक क्या है, एक कोई भी आइडियल है, ठीक है, नाम यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे ही हो गया, उससे मत ये करो, ए प्लस बी यहाँ पे कौन सा नाम दिया था, देख पा रहे नाम वो ऊपर वाला नाम है, यहाँ पर इसको यार आप भी नहीं कर पा रहे, ये हो जा रहा है, समझ गया मुझे इतना लग रहा है, ए प्लस बी ये वाला है, अच्छा, और ये जो वाइट वाला मैंने लिखा ना, ये वाइट वाला है तुम्हारा आई, एनी आइडियल ऑफ आर, दिस इज एनी आइडियल ऑफ आर व्हिच कंटेंट ए यूनियन बी। तो क्या करो, मैंने माना कि मेरे पास कोई भी एक आइडियल है, लेट आई बी एन आइडियल, किसका आइडियल ऑफ आर, किस हिसाब से, सच दैट, जो आइडियल क्या कर रहा है, जो आइडियल किसको कॉन्टेन कर रहा है, ए यूनियन बी को कॉन्टेन कर रहा है, ए यूनियन क्या कर रहा है, बी को कॉन्टेन कर रहा है,
ठीक है, वो पिक्चर जैसे कोई इशू नहीं होगा, अच्छा ही लगेगा देखने में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि such that क्या A union B is a subset of I। तो अब कोई बोलेगा सर आपको क्या दिखाना है, आपको क्या शो करना है? मुझे शो करना है कि मुझे क्या शो करना है कि ये जो I है ना, और ये जो A plus B है, A plus B I का सबसेट हो जाएगा, मतलब A plus B तो छोटा होगा, smallest, smallest ideal containing A union B, तो A union B को contain करने वाला जितना सारा ideal है उसमें सबसे छोटा होगा A plus B, that means A plus B is always a subset of I। तो now we shall show that क्या दिखाना है, now we shall show that A plus B is a subset of क्या, is a subset of I, A plus B is a subset of I। कोई बोला सर आपको सबसेट दिखाना है ना, तो आपको तो काम क्या करना पड़ेगा, आपको अगर सबसेट दिखाना है तो सबसेट दिखाने का प्रोसेस होता है कि जिसको सबसेट दिखाना है वहां से एक एलिमेंट लेना है और उसको यहाँ पे दिखाना है। कोई बोलेगा सर A प्लस बी में एलिमेंट देखने में कैसा होता है, A प्लस बी में एलिमेंट देखने में कैसा होता है, तुम देख नहीं पा रहे, मैंने तो लिखा था ऊपर में, ऐसा होता है A प्लस बी में एलिमेंट देखने में ऐसा होता है, पहला वाला एलिमेंट ए से आएगा, दूसरा वाला एलिमेंट बी से आएगा, उसको जोड़ोगे तो A प्लस बी में जाएगा, तो A प्लस बी ऐसा है देखने में, A प्लस बी कैसा है कि A प्लस बी तुम्हारा एक एलिमेंट ए के आएगा, एक एलिमेंट बी से आएगा, उसको जोड़ोगे तो A प्लस बी में जाएगा। तो नाउ वी शैल शो दैट A प्लस बी इज अ सबसेट ऑफ I। तो A प्लस बी का मैंने कोई एक एलिमेंट लिया, कोई बोला सर A प्लस बी में एलिमेंट क्या लीजिएगा, एक एलिमेंट ए का एक एलिमेंट बी का, तो क्या करोगे, लेट A प्लस बी बी एन, या फिर बी एन ना बोलिए, बी एनी एलिमेंट ऑफ ऑफ क्या, ऑफ A प्लस बी। ठीक है, मैंने क्या किया कि जो A प्लस बी है ना उसके अंदर मैंने कोई एक एलिमेंट लिया, A प्लस बी कैसा है, एक एलिमेंट A का एक एलिमेंट B का, एलिमेंट को जोड़ने से A प्लस बी हो जाएगा, साइड लिख दो, कॉमा लेके लिख दो, व्हेयर A बिलोंग्स टू कैपिटल A एंड स्मॉल B बिलोंग्स टू क्या, कैपिटल B। बोलो तो A अगर A में है और B अगर कैपिटल B में है तो मैं लिख सकता हूं कि A B A यूनियन B में जाएगा, बोलो लिखना सही है, सही है। कोई मुझे बोल रहा है सर ए बी ए यूनियन बी में गया, मैं अगर यहां से ए लिख दूं कि ए बी जो है ना ये सिर्फ यूनियन में नहीं जाएगा, ये तुम्हारा आई पे भी जाएगा, तुम बोलो कैसे सर, मैं बोलता सुनो ये जो ए यूनियन बी है ना ये आई का सबसेट है, तुम बोले कहां से सर, ऊपर में देखो ना, ऊपर में तो बोले थे A union B क्या है, सॉरी सॉरी कहां गया, ये वाला ये है ना, यही तो ये जो काम हम लोग किए है, हम लोग क्या माने थे कि A union B किसी हिसाब से आएगा जो सबसेट ऑफ I है, तो बोलो दो एलिमेंट A union B में जा रहा है तो वो दो एलिमेंट अगर A union B में जा रहा है तो इसका मतलब अगर इसमें गया तो इसमें भी जाएगा, ये तो सेट का लॉजिक है, तो इसका मतलब क्या बोलोगे सर, वो ए बी आई पे भी जाएगा, और ये कैसे आ रहा है, सिंस ए यूनियन बी क्या है, ए यूनियन बी इज अ सबसेट ऑफ आई, क्योंकि हम लोग आइडियल ऐसे लिए थे जो आइडियल क्या करे ए यूनियन बी को कॉन्टेन करे, क्योंकि मुझे दिखाना है कि जितना सारा आइडियल है जो ए यूनियन बी को कॉन्टेन कर रहा है उसमें ए प्लस बी सबसे छोटा है, इसीलिए तो हम लोग बोलेंगे कि ए यूनियन बी जो सेट है ये जेनरेट करेगा जो आइडियल वो है तुम्हारा ए प्लस बी, तो ए बी आई पे जाएगा। बोलो तो ए बी अगर आइडियल में गया आई पे गया तो ए प्लस बी क्या आई पे जाएगा या नहीं जाएगा, आई पे जाएगा या नहीं जाएगा, जाएगा ऑब्वियसली जाएगा, तुम बोलो सर कैसे, मैं बोलो सुनो आइडियल एक सबरिंग होता है, आइडियल अगर एक सबरिंग है ना तो सबरिंग अगर है तो हम लोग जानते हैं कि सबरिंग में क्या होता है, एडिशन के अंडर में वो तो एक क्या होता है एबिलियन ग्रुप होता है, एडिशन के अंडर में वो क्या होगा एक एबिलियन ग्रुप होगा, तो एडिशन के अंडर में क्या होगा क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगा तो ए प्लस बी आई में भी जाएगा, ठीक है ए प्लस बी आई में भी जाएगा, ठीक है कारण दे दो कि सिंस आई इज एन आइडियल,
आई इज एन आइडियल। तो 10, 10 क्या लिखोगे? 10। तो बोले सर ए प्लस बी कहाँ का एलिमेंट? ए प्लस बी किसका एलिमेंट था? कैपिटल ए और कैपिटल बी का। ए प्लस बी इज द एलिमेंट ऑफ स्मॉल ए प्लस बी इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए प्लस बी। तो तुम देख पा रहे हो मेरा जो स्मॉल ए प्लस बी है ना वो कैपिटल ए प्लस बी का एलिमेंट था, बट वो कहां पे आ गया? आई पे आ गया ना। तो बोलोगे कौन किसका सबसेट होगा? कौन कैपिटल ए प्लस बी? हाँ कैपिटल ए प्लस बी। तो दैट मीन्स क्या हम लोगों ने देखा ए प्लस बी ए प्लस बी में था और वो चला गया आई पे, तो इसका मतलब ए प्लस बी इज ए सबसेट ऑफ आई। और इससे क्या मालूम चल रहा है? इससे मालूम चल रहा है सर कि मेरा जो आइडियल आई था ना, जो आइडियल ए यूनियन बी को कंटेन करने वाला था, तो वहां पे क्या देख पा रहे कि ए प्लस बी भी, तो ए प्लस बी भी ए यूनियन बी को कंटेन कर रहा था। ए प्लस बी भी क्या कर रहा था? ए यूनियन बी को कंटेन कर रहा था। यानी मेरा जो आई है वो क्या कर रहा है? वो भी ए यूनियन बी को कंटेन कर रहा था। बट ये आई एक एनी आइडियल है जो ए यूनियन बी को कंटेन कर रहा है, और मेरा ए प्लस बी क्या है? उसमें से सबसे छोटा आइडियल जो ए यूनियन बी को कंटेन कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया प्रूफ? कि देयरफॉर ए प्लस बी इज एन आइडियल। कैसा आइडियल? दिस इज द आइडियल व्हिच इज जनरेटेड बाय ए यूनियन बी। क्योंकि किसी आइडियल को किसी सेट के द्वारा जनरेटेड हम लोग तब बोलते हैं जब उस आइडियल उस सेट को फुल्ली कंटेन करे। एंड दूसरा बात, अगर उस रिंग में ऐसा उस रिंग में जितना सारा आइडियल है जो उस सेट को कंटेन कर रहा है, तो वहां पे क्या होगा? वो सभी आइडियल क्या होगा, माने वो आइडियल जो है जो जनरेटेड वाला आइडियल है वो क्या होगा? वो सभी वो आइडियल का जो एस को कंटेन कर रहा है उसका सबसेट होगा। तो यहां से क्या लिखोगे? Therefore, A plus B is an ideal generated by क्या? Generated by A plus, sorry, A union B. Therefore, A union B, ideal generated by A union B is A plus B. Is A plus B. तो देखो ये हो गया proved. ये हो गया proved. Sir. हाँ बोलो. A plus B smallest ideal है जो A unit B को contain कर रहा है, ये लिखे नहीं sir? हाँ लिख सकते हो, वो तो ही बात है। स्मॉलेस्ट आइडियल जो बात हम लोगों ने बोला ना, वो जस्ट उसका क्या है बोलो तो, माने एक चीज को हम लोग दो स्टाइल में बोल सकते हैं, माने लैंग्वेज है वो जस्ट। क्योंकि अभी मुझे एक बात बोलो, हम लोगों ने जो ए प्लस बी ये जो आइडियल निकाला, ये आइडियल ए यूनियन बी को कंटेन कर रहा है, और उस रिंग में जितना सारा आइडियल है जो ए यूनियन बी को कंटेन करता है, कहा गया? हाँ, उस रिंग में जितना सारा आइडियल है जो ए यूनियन बी को कंटेन कर रहा है, मैं देख पा रहा हूं वो आइडियल क्या है, वो आइडियल और ए प्लस बी में क्या रिलेशन है? ए प्लस बी उस आइडियल का सबसेट है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या बना कि ए प्लस बी इज ए आइडियल, स्मॉलेस्ट आइडियल कंटेनिंग ए यूनियन बी। क्योंकि ए यूनियन बी को कंटेन करने वाला, ए यूनियन बी को कंटेन करने वाला जितना सारा आइडियल है वो सब में सबसे छोटा ए प्लस बी है। ये ए है और ये क्या है? तो लैंग्वेज वो तो क्या, बार बार कितना लैंग्वेज लिखे, तुम लिख सकते हो, कोई इशू नहीं, हो तो क्या प्रूफ? ठीक है, लैंग्वेज लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट वो उसी में छुपा हुआ है, वो मीनिंग है उसका, जो बात यहाँ पे बोला है ना उसका मीनिंग वही होता है, इसलिए जरूरी नहीं है, तुम लिख सकते हो, लिखने में भी कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, तब ठीक है, तब तो समझ गए, तो कोई इशू नहीं है। चलो अब सुनो, ये जो आइडियल जनरेटेड बाय हम लोग सेट कर रहे हैं ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट जगह है यहाँ पे वो तुम्हारा है प्रिंसिपल आइडियल। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि किसी
आइडियल को हम लोग कब बोलेंगे किसी सेट के द्वारा जनरेटेड है, ये बात पढ़ा। तो एक सेट के द्वारा जनरेटेड आइडियल क्या है तुम समझ गए हो, बट मैं तुमको बोल रहा हूं कि प्रिंसिपल आइडियल क्या है। प्रिंसिपल आइडियल सेम चीज है बट एक स्पेशल केस डाल दिया गया यहाँ पे। देखना मैंने बोला था एक आइडियल जनरेटेड बाय ए सेट, माने मैंने बोला मेरे पास एक ए आइडियल है और वो एस के द्वारा जनरेटेड है, उसको हमने ए बोला ना। अब बोलो तो सेट में कितना एलिमेंट होता है, एक सेट क्या होता है? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। सेट में एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, पांच एलिमेंट, दस एलिमेंट, कुछ भी हो सकता है। बट मैंने बोला कि अगर मेरा सेट एक आइडियल को जनरेट कर रहा है, अब मैंने एक कंडीशन और डाल दिया, क्या उस सेट में कितना एलिमेंट होना है। मैंने बोल दिया कि मेरे सेट में अगर सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, मानो कि मैंने क्या बोला, इफ आइडियल जनरेटेड बाय जो सेट है ना, ये पूरा दिमाग में अब चलेगा, वो जितना सारा डेफिनेशन है ना, वो जितना अभी काम किया वो तो है, इसके साथ मैंने एक्स्ट्रा कंडीशन और ऐड किया। क्या एक्स्ट्रा कंडीशन ऐड किया? अगर वो मेरा सेट क्या हो, एक सिंगलटन सेट हो। अच्छा, माने सिंपली हम लोग आइडियल जनरेटेड बाय सेट तो पढ़ रहे थे, बट उस केस में सेट के अंदर कितना एलिमेंट होगा या नहीं होगा उसके ऊपर कुछ नहीं था। उसके ऊपर एक हो सकता है, दस हो सकता है, पचास हो सकता है, हजार हो सकता है, अच्छा इनफाइनाइट एलिमेंट भी हो सकता है। बट अभी हम लोग क्या काम कर रहे हैं, अभी हम लोग काम कर रहे हैं कि अगर एक ही एलिमेंट उसको जनरेट करे, एक ही एलिमेंट उसको जनरेट कर दे। अच्छा, माने एक सेट में एक ही एलिमेंट है, दैट मीन सिंगलटन सेट। ये सेट क्या है? द सेट इज सिंगलटन सेट। जैसे मुझे बोलो तो, अभी तुम लोगों को मैंने बोला था ए, मानो कि तुमने लिया 4z, बी तुमने लिया 6z, बोलोगे ए यूनियन बी दैट मीन्स 4z यूनियन 6z के द्वारा जो आइडियल जनरेटेड होगा वो ए प्लस बी होगा ना, माने 4z प्लस 6z और 4z प्लस 6z हम लोग जानते हैं ये क्या होता है, जीसीडी ऑफ 4 6 टाइम्स z माने 2z। कोई बोला सर ये जो 2z आइडियल है ये किसके द्वारा जनरेटेड है, बोलो ये 2z आइडियल किसके द्वारा जनरेटेड है। The ideal is generated by A union B, that means 4Z union 6Z. कोई मुझे बोलोगे 4Z और 6Z में कितना element है? Infinite element है। तो infinite element के द्वारा ideal generated हो सकता है, ये 2Z है। अब कोई मुझे पूछ सकता है, सर ये जो 2Z को आपने ऐसे generate किया, मैं तुमको बोल रहा हूँ ये 2Z के लिए ना मेरा 2 ही काफी था। बोलो तो 2Z के लिए 2 काफी नहीं है क्या? 2 को तुम multiple करते जाओ, 2 × 1, 2 × 2, 2 × 3, 2 × 4, तो बोलो तो 2 के द्वारा जो आइडियल जनरेटेड है वो पूरा 2Z नहीं हुआ क्या? कोई बोला सर 2 के द्वारा जनरेटेड, जैसे याद करो जब हम लोग साइक्लिक ग्रुप पढ़ते थे a to b power n फॉर्म कर लेते थे, अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, 2 के द्वारा जनरेटेड यहां पे क्या है कि तुमको एक बार 2, 2 + 2 ऐसे जोड़ते जाना है, ऐसे जोड़ते जाना है, ठीक है, 2 + 2 ऐसे जोड़ते जाओ। कोई बोलेगा सर 2 + 2 ऐसे जोड़ते जाएंगे, ठीक है, बट माइनस वाला कैसे आएगा, माइनस वाला कैसे आएगा, माइनस वाला कैसे आएगा? देखो 2 के द्वारा जनरेटेड जो आइडियल होगा ना ऐसे होता है, मैं तुमको बोल दूं, ए सॉरी 2x, x कम्स फ्रॉम इंटीजर, हम लोग इंटीजर में काम कर रहे हैं ना, अब इंटीजर नेगेटिव लोगे तो नेगेटिव आ जाएगा, ऐसा बात होता है। बोलो लॉजिक समझ पा रहे हो मेरे बात, मैंने क्या बोला, 4Z is ideal, 6Z is ideal, the union is also ideal, ना union ideal होगा नहीं, सिर्फ 4Z और 6Z का union ideal नहीं है, क्योंकि दो union का ideal तभी होता है जब एक दूसरे में content है, ना 4Z 6Z में content है, ना 6Z 4Z में content है, तो A union B तो ideal नहीं है, सर तो A union B क्या है, A union B Z का एक साधारण सा subset है, but उस subset के द्वारा अगर मैं ideal generate करूँ, तो अभी हम लोगों ने थ्योरम पढ़ा था कि A यूनियन B के द्वारा आइडियल जनरेटेड क्या होता है, A प्लस B, तो 4Z प्लस 6Z हम लोग जानते हैं कि 2Z होता है, 4 और 6 का जीसीडी टाइम्स Z, तो 2Z, 2Z इज आइडियल व्हिच इज जनरेटेड बाय 4Z यूनियन 6Z। तो कोई बोला कि सर ये जो आइडियल है ये इनफाइनाइट एक सेट से जनरेट हो रहा है, मैं बोला ठीक है वो इनफाइनाइट सेट से जनरेट हो रहा है, बट मैं मेरा सेट को अगर सिर्फ सिंगलटन सेट 2 करता ना तो 2 भी उसको जनरेट कर सकता है। बोलो 2 इसको जनरेट नहीं कर पाएगा क्या? कर पाएगा। तो इसका मतलब ये जो मेरा 2Z है ना, ये 2Z Z का क्या है जानते हो, दिस इज द प्रिंसिपल आइडियल, 2Z Z का प्रिंसिपल। सिर्फ 2Z का क्या बात कर रहे हो, 3Z को मैं नहीं लिख पाऊंगा क्या, 3 का मल्टीपल, तो बोलो सर कैसे सर,
मैं बोला यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 3x पर x comes from integer, सेम बात 4z के लिए क्या होगा, 4z is generated by 4, that means 4x, such that x belongs to क्या integer, 5z, 6z, तुम जो भी लोगे एक एलिमेंट से वहां पे मिल जा रहा है। इस टाइप का जो आइडियल होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल आइडियल। प्रिंसिपल आइडियल हम लोग किसको बोलेंगे, किसी भी रिंग है उस रिंग में जो आइडियल क्या है, किसी सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, एक सिंगल एलिमेंट से, माने रिंग का एक सिंगल एलिमेंट से वो आइडियल पूरा जनरेट हो जा रहा है। जैसे 2z एक आइडियल है z का, बट ये जो 2z है ना, इसको पाने के लिए तुमको बहुत सारा एलिमेंट का जरूरी नहीं है, एक एलिमेंट 2 से ही पूरा मिल जाएगा, क्योंकि तुम जानते हो कि 2 के साथ कोई भी इंटीजर मल्टीप्लाई करो, देखना पूरा 2 का मल्टीपल चला जाता है, 2x फॉर्म का, 3z में 3x फॉर्म का, ठीक है, इंटीजर में। तो डेफिनेशन कब लिख रहे हो, डेफिनेशन लिख रहे हो, किसी को कुछ प्रॉब्लम होगा तो पूछना, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है प्रिंसिपल आइडियल, सबसे इंपॉर्टेंट जगह है। ए आइडियल इज जनरेटिंग बाय सेट, हम लोगों ने पढ़ा कि एक आइडियल एक सेट के द्वारा जनरेटेड का मतलब क्या होता है, तो हम लोगों ने बात पढ़ा। उसके बाद वही सेट को अगर मैं स्ट्रिक्टली एक नया रेस्ट्रिक्शन लगा दूं कि सेट सिर्फ क्या हो, एक सिंगलटन सेट हो, माने कि सेट में आप एक से ज्यादा एलिमेंट अगर ना आए, कोई बोला सर मेरे पास एक सेट है जिस सेट में एक एलिमेंट नहीं है सर, बहुत सारा एलिमेंट है, और वो सेट ना एक आइडियल को जनरेट कर रहा है, तो सर वो जो आइडियल है उसका क्या बोलेगा, मैं बोला सुनो वो आइडियल जो है ना वो आइडियल प्रिंसिपल नहीं है, हालांकि प्रिंसिपल हो भी सकता है, जैसे 4z यूनियन 6z में तुम देख पा रहे हो इनफाइनाइट एलिमेंट उसको जनरेट कर रहा है, बट उसी टाइम में देख पा रहा था ना, कहा गया वो मैंने रब कर दिया, उसी टाइम में देख पा रहा था कि ये 4z यूनियन 6z है, ये क्या जनरेट कर रहा है 2z को। इस लॉजिक से अगर तुम देखने जाओगे तो इनफाइनाइट सेट ने जनरेट किया एक एलिमेंट, तो दूर की बात बहुत सारे एलिमेंट मिलके काम किया है एक सेट जिसमें इनफाइनाइट एलिमेंट है, तो सर इस हिसाब से तो 2z को प्रिंसिपल आइडियल नहीं बोलना है। मैं बोला सुनो ये ठीक है, बट एक आइडियल को प्रिंसिपल बोलने के लिए तुम्हारे पास एक ऐसा सिंगलटन सेट मिलना चाहिए जो उसको जनरेट करे, और मेरे पास ऐसा सिंगलटन सेट है जो सिंगलटन सेट 2 ये क्या कर सकता है, ये पूरा 2z को जनरेट कर सकता है। तो किसी आइडियल को प्रिंसिपल बोलने के लिए उस रिंग में एक एलिमेंट मिलना चाहिए मुझे, मुझे ये नहीं देखना है कि कोई एक इनफाइनाइट सेट उसको जनरेट किया या नहीं किया है, बट मुझे क्या देखना है, मुझे एक एलिमेंट मिलना चाहिए, एक रिंग का एलिमेंट मिलना चाहिए जो उसको पूरा जनरेट करे, तब जाके हम लोग उसको बोलेंगे प्रिंसिपल आइडियल। देखो डेफिनेशन लिख लो, प्रिंसिपल आइडियल प्रिंसिपल आइडियल PAL वाला प्रिंसिपल है, LU वाला नहीं, LU वाला तो अलग चीज होता है, प्रिंसिपल इसके बारे में तुम लोगों को मैंने बहुत बार बोला था, प्रिंसिपल आइडियल नहीं है ये, PAL वाला प्रिंसिपल है, ये तो सिद्धांत है। अच्छा ये प्रिंसिपल आइडियल का मतलब थोड़ा स्पेशल आइडिया, थोड़ा खास आइडिया। अच्छा प्रिंसिपल जो हेड हम लोग बोलते हैं ना कि प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, प्रिंसिपल ऑफ द यूनिवर्सिटी, तो प्रिंसिपल का मतलब होता है जो हेड। अच्छा उस जितना सारा आइडियल है उसमें कुछ कुछ आइडियल को हम लोग थोड़ा सा स्पेशली बोलेंगे, क्योंकि वो आइडियल में क्या खासियत है, एक एलिमेंट से वो जनरेट हो जा रहा है तो अच्छा है। जैसे ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप थोड़ा स्पेशल होता है, क्योंकि वहां पे एक एलिमेंट से मैं पूरा ग्रुप को जनरेट कर सकता हूं, तो उस एक एलिमेंट से मैं पूरा काम कर सकता हूं, तो मेरे लिए अच्छा तो है। किसी एक सामान से तुम अगर एक ही फोन से मानो कि सब कुछ कर पा रहे हो, तो फोन बेस्ट फोन होता है, बेस्ट स्मार्टफोन होता है, बट एक फोन का कैमरा अच्छा है, एक फोन का प्रोसेसर अच्छा है, एक फोन का बैटरी अच्छा है, तो तुम कितना फोन लेके घूमोगे। तो इसीलिए स्पेशली हम लोग उस चीज को ज्यादा प्रिफरेंस देते हैं जिसमें एक चीज में बहुत सारा काम हो सकता है। तो प्रिंसिपल आइडियल ऐसा ही है, एक एलिमेंट मिलके पूरा आइडियल जनरेट कर दिया तो प्रिंसिपल हो गया ये। देखो क्या लिख रहे हो यहां पे, कि लेट आर बी ए रिंग, लेट आर बी ए रिंग, कोई भी एक रिंग है, रिंग कुछ भी हो सकता है, पॉलीनोमियल का हो, फंक्शन का हो, मैट्रिक्स का हो, एन आइडियल ऑफ आर जेनरेटेड बाय ए सिंगलटन सेट, ए सिंगलटन
said let R be a ring and ideal of R is R generated by a singleton set is called principal ideal. जैसे मैंने क्या बोला कि सपोज मेरा मैंने तो अभी जो बात बोला था कि द आइडियल इज जनरेटेड बाय सेट एस, तो मेरा सेट एस में क्या एलिमेंट है, सिर्फ एक ही एलिमेंट है, एस कंटेन्स ए सिंगल एलिमेंट ऑफ आर, तो एस इज इक्वल टू सिंगलटन सेट ए, जहां पे ए किसका एलिमेंट है, सर ए आर का एलिमेंट है, एंड कैपिटल ए बी द आइडियल generated by S, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, we say that the ideal A is generated, the ideal A is generated by a single element ka small a, and we write hum log kya likhenge ke capital A is a ideal which is generated by single element A, that means this is a principal ideal and this is principal ideal. अब कोई बोल सकता है सर मेरे पास एक आइडियल है जो प्रिंसिपल आइडियल है, वो एक एलिमेंट से जनरेट हुआ है, माने एक सेट से जनरेट जो हुआ है उससे में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो वो जो सर आइडियल है उसमें एलिमेंट जो आएगा, आइडियल तो एक सेट भी है ना, तो उसमें एलिमेंट देखने में कैसा होगा, उसके ऊपर हम लोग जो बात है वो थ्योरम इसका बात करते हैं. क्या थ्योरम है, थ्योरम let a be an element of a commutative ring R with unity element let small a be an element of a commutative ring with unity element, sorry commutative ring ka naam do, commutative ring R with unity element, prove that क्यों लिखा, then ये theorem लिखा ना, then the ideal generated by A is collection of those AR such that A, sorry R belongs to R, देखो ये होता है मीनिंग कि अगर कोई रिंग है, अगर वो रिंग क्या है, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, माने CRU, सिंपल सा बात है, कोई अगर CRU है तो अगर कोई भी एलिमेंट तुम अगर लेते हो वहां से और उसके द्वारा अगर आइडियल जनरेटेड बोल रहे हो कि सर कोई एक एलिमेंट है उसके द्वारा जो आइडियल जनरेटेड होगा वो ठीक है, मैंने माना कि एक एलिमेंट के द्वारा आइडियल जनरेटेड हो रहा है, बट इसका मतलब ये सेट में क्या क्या चीज है, हम लोग कैसे समझेंगे कि ये सेट में क्या है, तो मैं बोल रहा हूँ कि देखो कोई एलिमेंट के द्वारा जो आइडियल है ना उसमें क्या होगा कि वो एलिमेंट ऐसा होगा कि ए आर सच दैट आर बिलोंग्स टू आर. देखो इसको समझने में सबसे आसान तरीका मैं बोल रहा हूँ, मानो कि तुमने आर लिया जेड, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, रिंग फॉर्म करता है, दिस इज सीआरयू, जेड प्लस डॉट एक सीआरयू होता है, हम लोगों ने क्या माना, तो बोला सर मुझे टू के द्वारा जनरेटेड आइडिया चाहिए, तो कोई बात नहीं है, ए माने टू, तो टू आर, जहां पे आर कहां से आ रहा है, इंटीजर से आ रहा है, तो टू आर इंटीजर से आ रहा है, तो तुम देख पा रहे हो यहाँ पे क्या बनेगा, -4 -2
जीरो टू फोर एंड सो ऑन। कोई बोला सर मुझे सर ये करना है थ्री के द्वारा जनरेटेड करना है, तो थ्री के द्वारा जनरेट करो, थ्री के द्वारा क्या होगा थ्री आर, आर बिलोंग्स टू इंटीजर, तो सर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा तुम्हारा माइनस सिक्स माइनस थ्री जीरो थ्री सिक्स एंड सो ऑन। तो तुम देख पा रहे हो कि अगर किसी सिंगल एलिमेंट से जब तुम कोई आइडियल जनरेट करते हो तो उस सेट में क्या होता है, वही बात यहाँ पे किया गया है। मैंने ये बात जेड के लिए किया, बाकी के लिए ऐसा होगा रिंग अगर कुछ भी हो तो ऐसा होगा ए आर, मतलब जिसके द्वारा है तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा काम क्या है के? कोई बोला सर ये जो आइडियल है ए आर फॉर्म में, देखो बात क्या होता है, तुम रिंग का कोई एलिमेंट लोगे और जिसके द्वारा आइडियल जनरेट कर रहे हो वो तो उसमें होगा ही होगा। मैंने अभी बात किया ना, मैंने तुम लोगों से अभी बात किया था कि कोई आइडियल तुम जनरेट कर रहे हो बाय ए सेट, मानो कि तुम्हारा आइडियल आई है और तुम जो आइडियल जनरेट कर रहे हो ना वो एस है, एस के द्वारा जनरेटेड, और वो एस में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, वो सिंगलटन सेट है ए, तो इसके द्वारा जो आइडियल जनरेटेड होगा, तो इसके द्वारा आइडियल जनरेटेड जो होगा तो मैं तो बोल सकता हूं कि मेरा जो ए है, मेरा जो ए है वो एस में अगर है तो आई में तो होगा ही होगा। तुम बोले क्यों सर ए आई में क्यों जाएगा, मैं बोला सुनो जो आइडियल जनरेटेड होता है ना किसी सेट के द्वारा वो सेट उसमें तो फुल्ली कंटेन करेगा, तो सिंगलटन सेट ए जो है वो तो आई में रहेगा ही रहेगा, तो इसका मतलब ए जो है, ए जो एलिमेंट है सिंगलटन सेट इज अ सबसेट ऑफ आई, एंड अगर मैं एलिमेंट के हिसाब से बोलूं तो द एलिमेंट बिलोंग्स टू आई, और हम लोग जानते हैं कोई एलिमेंट कोई अगर आइडियल है, आई अगर आइडियल है, आई क्या है आई आइडियल है, किसका आइडियल है आइडियल ऑफ आर, तो हम लोग क्या जानते हैं कि किसी रिंग का अगर कोई आइडियल होता है तो उसके अंदर तुम कोई एलिमेंट लोगे, माने ए तुम क्या लिया आई से लिया और आर तुमने रिंग से लिया, तो ए आर कहां पे जाएगा आइडियल पे जाएगा, वही तो बात हो रहा है कि किसी एलिमेंट के द्वारा जनरेटेड आइडियल क्या होगा ए आर, ए आर तो आइडियल में ही जाएगा ना, क्योंकि आइडियल का प्रॉपर्टी है डेफिनेशन है, तो ये आइडियल पे जाएगा। बोलो क्लियर हो रहा है बात? हैंग हुए क्या दिमाग, हैंग हुए क्या, प्रूफ करना बंद कर दे क्या अभी? नहीं ठीक है, अगर दिमाग किसी का हैंग हो गया तो छोड़ सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है, दिन का तो कभी नहीं है, कल भी पढ़ा देंगे परसों भी पढ़ा देंगे, ठीक है कोई बात नहीं, देखो प्रूफ करा देते इसका, देखो प्रूफ क्या कर रहे हो। मैंने माना कि मेरे पास एक सेट है, मेरे पास मैंने एक सेट माना कि लेट द सेट ए इज ए आर, जहां पे आर कहां से आ रहा है, आर सर आ रहा है आपका रिंग से, ठीक है ठीक है। देखो मैं क्या दिखाऊंगा जानते हो, मैं तो पहले दिखाऊंगा कि ए जो ए है ना ये और कुछ नहीं, ये आइडियल जनरेटेड बाय सिंगलटन एलिमेंट ए, अच्छा ऐसा है, मतलब दिस ए इज अ आइडियल जनरेटेड बाय स्मॉल ए एलिमेंट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बोलो तो मेरे वन, मेरा जो वन है ये आर पे तो है ना, तुम बोलो क्यों सर ये आर पे कैसे हो गया, मैं बोलो सुनो यहाँ पे बात तो मैं क्या लिख नहीं पाऊंगा, मैं लिख पाऊंगा ना कि देयरफॉर क्या, देयरफॉर ए इंटू वन, ए इंटू वन ये कहां पे जाएगा सर ए पे जाएगा, तुम बोलो सर ए पे कैसे चला गया, मैं बोलूंगा ए, ए का बात क्या हुआ था सर, ए का बात क्या हुआ था मतलब माने ए क्या बोल रहा है कि ए इज द सेट, दिस सेट ए इज अ कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट्स, सर कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट का मतलब कलेक्शन ऑफ दोज ए आर, व्हेयर ए कम्स फ्रॉम, ए कम्स फ्रॉम नहीं ये तो एक एलिमेंट है, व्हेयर आर कम्स फ्रॉम, ठीक है। माने किसी तुमको ए बनाना है तो कैसे बनाओगे, स्मॉल ए तुम्हारे पास है और रिंग का एलिमेंट है, कोई बोला सर मेरे पास रिंग का एलिमेंट ना ऐसा है आर वन आर टू ऐसे करके, मानिए कि R5 तक मेरा पांच एलिमेंट है, तो सर मुझे सर A बनाना है,
मुझे सर ए बनाना है, तो मैं बोलूंगा ए ऐसे बनाना, क्या ए आर सच दैट आर बिलोंग्स टू आर, तो आप बोलो तो कैसे बनाओगे सर, ए आर वन ए आर टू ए आर थ्री ए आर फोर ए आर फाइव, ऐसे बनेगा ना ए, बोलो ऐसे तो बनेगा ए, ठीक है ए मेरा ऐसे ही बनेगा। तो वन सिंस वन बिलोंग्स टू आर देयर फोर ए इंटू वन कहां पे चला गया सर, ए इंटू वन ए पे चला गया, ठीक है। तो कोई बोला सर वन कहां पे, मैं बोला वन तो रिंग में है, क्योंकि रिंग तो रिंग विद यूनिटी है, तो जब रिंग विद यूनिटी है रिंग का एलिमेंट है, और ए का बात हुआ था कि स्मॉल ए इंटू रिंग का एलिमेंट वो ए पे जाएगा, तो मुझे एक बात बोलो यहां से प्रूफ नहीं हो गया क्या स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए, दैट मीन्स द सेट ए इज नॉन एम्प्टी। मैंने क्या प्रूफ कर दिया, मैंने क्या प्रूफ कर दिया, कैपिटल ए इज नॉन एम्प्टी एज ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ठीक है ये हो गया। क्या करना है मुझे दिखाना है कि द ए इज ए आइडियल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शो दैट द ए इज ए आइडियल। कोई बोला सर आपको अगर ए को आइडियल दिखाना है तो आपको ए में दो एलिमेंट उठाना पड़ेगा, क्योंकि आइडियल दिखाने के में दो दो स्टेप था, फर्स्ट स्टेप क्या था कि कोई भी दो एलिमेंट यहां से उठाओ और उसका सब्ट्रैक्शन क्या करो उसी में दिखाओ, ये फर्स्ट मेरा काम होता है, फर्स्ट स्टेप होता है आइडियल दिखाने का, फर्स्ट स्टेप ये है। तो मेरा काम क्या होगा, मैं पहले क्या करूंगा, मैंने दो एलिमेंट उठाया, कोई बोला सर दो एलिमेंट कहां से उठाना है, मैं बोलूंगा ए से उठाना है, कोई बोला सर दो एलिमेंट ए से आप कैसे उठाएगा, मैं बोला सुनो ए का एलिमेंट देखने में कैसा है ए आर फॉर्म का है, तो मैं दो एलिमेंट जब उठाऊंगा ना तो एक एलिमेंट उठाऊंगा ए आर वन और एक एलिमेंट उठाऊंगा ए आर टू, क्योंकि स्मॉल ए तो सब में कॉमन है, जैसे एक एलिमेंट देखो ए आर वन ए आर टू ए आर थ्री, कोई भी दो एलिमेंट मैंने उठाया, एक ए आर वन ले लिया एक ए आर टू ले लिया, कोई भी एक ले लिया आर वन आर टू करके, तो मैंने दो एलिमेंट लिया कहां से लिया ए से, क्या लिखोगे कि लेट लेट ए आर वन ए आर टू, ये किसका एलिमेंट है बिलोंग्स टू ए, जहां पे आर वन आर टू के बारे में कोई बोलोगे ये किसका एलिमेंट है, रिंग का सर, रिंग का है सर, ये एलिमेंट तो आपका रिंग का होगा, क्योंकि वो तो डेफिनेशन ही है कि दो अगर ये आर ए में है तो वो आर आर से आना पड़ेगा, रिंग से आना पड़ेगा, ठीक है आर वन आर टू। कोई बोला सर आप क्या करना है, आप ये दोनों का डिफरेंस क्या कर दो, तुम दिखा दो कि ये दोनों का डिफरेंस भी कहां पे है, ये दोनों का डिफरेंस ए पे है, दोनों का डिफरेंस क्या है ए पे है, लिखो नाउ 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 क्या ए आर वन, नाउ ए आर वन माइनस क्या ए आर टू, बोलो ये क्या होगा ए आर वन माइनस ए आर टू क्या होगा, इसको मैं लिख सकता हूं दिस इज ए इंटू आर वन माइनस आर टू। कोई बोला सर ए इंटू आर वन माइनस आर टू, ये जो आपने लिखा आर वन आर टू किसका एलिमेंट है सर, रिंग का है, आर वन आर टू अगर रिंग का एलिमेंट है तो आर वन माइनस आर टू किसका एलिमेंट होगा, वो भी रिंग का होगा, क्योंकि रिंग इज ऑल्सो ए सब रिंग ऑफ आर, हम लोग क्या जानते हैं कोई रिंग अगर है तो सब सब रिंग में दो एलिमेंट का डिफरेंस वहां पर होता है, या फिर ऐसे सोचो ना आर वन अगर रिंग का एलिमेंट है और आर टू अगर रिंग का एलिमेंट है तो माइनस आर टू क्या है उसका एडिटिव इनवर्स, तो दो एलिमेंट का अगर मैं जोड़ू एक आर वन एक माइनस आर टू, माइनस आर टू क्या होता है आर टू का एडिटिव इनवर्स, तो जोड़ने से वो कहां पे जाएगा आर वन माइनस आर टू रिंग में जाएगा ना, ये रिंग में जाएगा, तो बोलो तो एक एलिमेंट ए ए है और ए किसका एलिमेंट है रिंग आर का है, तो एक एलिमेंट ए और एक एलिमेंट रिंग का है तो ए कहां पे जाएगा, ये कहां पे जाएगा बोलो ये कहां पे जाएगा ए पे जाएगा ना सर, ये कैपिटल ए में जाएगा सर, ये आपका कैपिटल ए में जाएगा, ये आपका कैपिटल ए में जाएगा, इसमें क्या लिखोगे सिंस आर वन आर टू बिलोंग्स टू आर एंड एंड क्या एंड आर वन सिंस आर वन आर टू बिलोंग्स टू आर सिंस आर वन आर टू बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज आर वन माइनस आर टू बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अब क्या करना है, अब मेरा काम क्या होगा, अब मैंने मुझे एक एलिमेंट रिंग से अब लेना है,
आइडिया दिखाने का फर्स्ट काम मेरा हो चुका है। अब मैं एक एलिमेंट रिंग से लूंगा और एक एलिमेंट ए से लूंगा, अच्छा उसको एक बार लेफ्ट में रखेंगे और उसको एक बार राइट में रखेंगे। देखो क्या है, मैं पहले क्या कर रहा हूं, मैं पहले ये मेरा क्या है सर, ये मेरा आर है। इस आर के बीच में मैंने क्या लिया, एक एलिमेंट एक सेट लिया, क्या दिस इज ए आर, ठीक है सॉरी ए आर नहीं, ए कैपिटल ए। इसमें एलिमेंट कैसा है, इसमें एलिमेंट है एआर फॉर्म का, एआर फॉर्म का एलिमेंट है। तो यहाँ पे एलिमेंट अगर एआर फॉर्म का है तो एआर वन है, यहाँ पे एआर टू है एंड सो ऑन एलिमेंट्स है यहाँ पे। तो दोनों का डिफरेंस क्या, वहां पे चला गया। अब मेरा काम क्या, एक एलिमेंट में क्या करूंगा, रिंग से उठाऊंगा। रिंग से उठाने का मतलब अंदर से भी ले सकते हो आर, इसके बाहर से मतलब रिंग से ले रहे हो। तो मानो कि एक एलिमेंट मैंने आर लिया, वो एलिमेंट यहाँ पे हो या फिर यहाँ पे हो कोई इशू नहीं है। और एक एलिमेंट आइडियल से लेना पड़ता है, मतलब आइडियल माने क्या, यहाँ पे वो जो ए सेट है, अभी तो मैंने आइडियल प्रूफ नहीं किया, तो यहाँ से लेना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या करोगे, उसके बाद क्या करो, तब मैंने क्या किया, लेट 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 क्या, लेट आर बी एनी एलिमेंट ऑफ क्या, ऑफ क्या, ऑफ रिंग आर, लेट आर बी एनी एलिमेंट ऑफ रिंग आर। तो देखो तो नाउ क्या करना है, ए आर वन, अब मैंने आर का एलिमेंट राइट पे रखा, तो ये कौन सा वाला केस होगा, फॉर द राइट आइडियल, ये राइट आइडियल वाला केस है। तो बोलो तो ए आर वन आर, बोलो तो ये सब ए आर वन आर, ये सब रिंग का भी तो एलिमेंट है, कैपिटल आर का भी एलिमेंट है रिंग का। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना, रिंग में तो एसोसिएटिविटी होगा, रिंग में तो क्या होगा सर, रिंग में तो एसोसिएटिविटी होगा। तो ए आर वन आर कर दिया मैंने, ए आर वन आर कर दिया, तो कोई मुझे बोलो तो ये आर वन आर ये किसका एलिमेंट होगा, ये किसका कैपिटल ए का, क्योंकि ये जो आर वन आर है ना, ये रिंग का एलिमेंट है। तो ये कहाँ पे जाएगा सर, ये आपका एलिमेंट जो जाएगा ना, ये आपका जाएगा कहाँ पे, ये जाएगा ए पे। कारण क्या, सिंस सिंस आर वन आर का एलिमेंट है, आर भी आर का एलिमेंट है, तो आर वन आर किसका एलिमेंट होगा सर, आर वन आर आपका होगा रिंग का एलिमेंट। तो चला गया, आर वन आर किसका एलिमेंट होगा, रिंग का एलिमेंट होगा। एंड क्या करोगे, अब इस आर को ना, ये जो आर वाला पोजीशन है, क्योंकि ये तो मैंने जो काम किया अभी के लिए मेरा क्या हुआ, ये जब ए में गया ना, तो अभी के लिए मेरा जो कैपिटल ए है ना, ये कैपिटल ए अभी तक राइट आइडियल बना, क्योंकि रिंग का एलिमेंट तुमने राइट पे रखा है। अब क्या करो, अब तुम्हारा काम क्या होगा, रिंग का एलिमेंट क्या है ना, वो लेफ्ट पे रखो और ए आर वन करो। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या करोगे, तो इसको बोलो तो मैं लिख सकता हूँ, ऐसा कुछ लिख सकता हूँ क्या, आर ए कर दिया आर वन, बोलो तो मेरा रिंग कॉम्यूटेटिव था ना, जब मेरा रिंग कॉम्यूटेटिव है तो इस आर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए आर आर वन, सिंस क्या, सिंस आर इज कॉम्यूटेटिव, मेरा जो रिंग है वो क्या है, द रिंग इज कॉम्यूटेटिव। तो रिंग जब कॉम्यूटेटिव है तो इसका मतलब क्या होगा, मैं आर ए की जगह पे आर लिख सकता हूँ। अब फिर से क्या काम करो, जानते हो, अब फिर से क्या काम करो, इस ए को बाहर करो, एसोसिएटिविटी यूज करो, हम लोग ब्रैकेट से जो कर रहे हैं एसोसिएटिविटी कर रहे हैं, ए आर आर वन, बोलो ये कहाँ पे जाएगा, कैपिटल ए पे जाएगा, सिंस आर बिलोंग्स टू आर एंड आर वन बिलोंग्स टू क्या आर। तो तुम देख पा रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है, देयरफॉर कैपिटल ए क्या बना, देयरफॉर कैपिटल ए इज एन आइडियल कॉन्टेनिंग एलिमेंट ए। तुम बोलो सर कैपिटल ए जो आइडियल है वो ए एलिमेंट को कॉन्टेन कर रहा है, कैसे मालूम चला, मैं बोला देखो मैंने तो प्रूफ किया था, मैंने यहाँ पे तुमको दिखा दिया है क्या, कि जो कैपिटल ए है ना उसमें स्मॉल ए है, तो कैपिटल ए आइडियल तो है, बट कैसा आइडियल है, द आइडियल कॉन्टेनिंग एलिमेंट ए। अब मैं दिखाऊंगा कि मेरे पास अगर और कोई आइडियल अगर है, और कोई आइडियल अगर है क्या, मेरे पास अगर और कोई आइडियल है जो क्या कर रहा है, जो ए को भी कॉन्टेन कर रहा है, अच्छा स्मॉल ए को,
तो लिखो लेट लेट कैपिटल आई बी एनी आइडियल जो क्या कर रहा है कंटेनिंग ए स्मॉल ए व्हिच सेल्स सो दैट हम लोग क्या दिखाएंगे बोलो तो हम लोग दिखाएंगे कि जो कैपिटल ए है ना ए स्मॉलेस्ट है दैट मींस व्हिच सेल्स सो दैट ए इज अ सबसेट ऑफ आई दैट मींस कोई भी आइडियल अगर वो स्मॉल ए को कंटेन कर रहा है तो असल में वो जो कैपिटल ए है ना वो जितना सारा आइडियल है जो ए को कंटेन कर रहा है उसमें ए सबसे छोटा होगा माने ए सबसेट ऑफ आई दिखाना है तो क्या लिखेंगे व्हिच सेल्स सो दैट We shall show that क्या I A is a subset of I. अब बोलो A किसका एलिमेंट है स्मॉल A देखो मैंने क्या किया I को I मैंने I कैसा लिया है जो जिस जहां पे A है तो मुझे बोलो मेरा A कहां पे है मैं बोल सकता हूं मेरा A I पे भी है जब मेरा A I पे है तो बोलोगे मेरा ए आर आई पे जाएगा ना क्योंकि आई तो एक आइडियल है जब आई आइडियल है तो ए आर कहाँ पे जाएगा आई पे जाएगा और ये जो बात है किसके लिए होगा फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू आर के लिए ना रिंग के हर एक एलिमेंट के लिए होगा क्योंकि ये तो डेफिनेशन है आइडियल का बोलो ए आर कहाँ पे चला गया आई पे ना ए आर आई पे चला गया अब बोलो तो ए आर अगर आई पे है और ए आर वाला एलिमेंट कहाँ पे है स्मॉल ए आर वाला एलिमेंट कहां पे है कैपिटल ए पे स्मॉल ए आर वाला एलिमेंट कहां पे है कैपिटल ए पे सर स्मॉल ए वाला एलिमेंट आपका कैपिटल ए पे है तो अब मैं यहां से बोल सकता हूं कि ये जो ए आर है वो आई पे गया और ये जो ए आर है तो दैट मींस ये ए आर कहां पे है दैट इंप्लाई या फिर डायरेक्ट लिख दो यहां पे डायरेक्ट अब क्या बोल ए आर तो ए में ही है देयरफॉर A is a subset of I. कारण क्या? Since capital A is AR, R belongs to R. वही बात है. वही मैंने लिख दिया यहाँ पे. तो बोलो, A is a subset of I. अब मुझे बोलो तो, मेरा जो A था, मेरा जो ये आइडियल था, वो किसके द्वारा? उसमें क्या था? ये था ना? ये तो इसमें capital A जो आइडियल है. वो आइडियल ए को कंटेन कर रहा है स्मॉल ए को कंटेन कर रहा है और मैंने वो सब आइडियल ले लिया जो सब आइडियल स्मॉल ए को कंटेन कर रहा है अब दोनों में मैं क्या कर रहा हूं दोनों में कंपैरिजन कर रहा हूं मैं देख पा रहा हूं कि रिंग में जितना सारा आइडियल है जो स्मॉल ए को कंटेन कर रहा है और कैपिटल ए भी एक ऐसा आइडियल है जो स्मॉल ए को कंटेन कर रहा है जहां पे मैं क्या देख पा रहा हूं कि कैपिटल ए सबसे छोटा है तो इसका मतलब क्या बना कि मेरा जो कैपिटल ए आइडियल है वो एक प्रिंसिपल आइडियल है Therefore, क्या लिखोगे A is ideal generated by single element A. That is, और A का मतलब क्या है A का मतलब ही तो यहां पे मेरा क्या है AR, R belongs to R, जो तुम्हारा A हो गया तो इसका मतलब क्या प्रूफ हो गया हम लोग का प्रूफ तो हो गया ये तो A तो है जस्ट पोजिशन नहीं कर लो Therefore, the principal ideal generated by A is the set collection of those elements AR such that R comes from capital R ये हो गया proved इस result को हम लोग बहुत use करते हैं माने कोई एक principal idea अगर है ना तो वो जिस element से generate होता है वो जो element के द्वारा generated ideal है माने वो जो set है वो देखने में कैसा होगा ऐसे होगा